बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले दरूद व सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर, सब दोस्तों, देखने वालों, सुनने वालों को शेख हसन अहमद क़रीम का सलाम। दोस्तों, फार्म वगैरह पे पहुंच गए हैं, जैसे आप देखें। आज आपको पैरेट्स नहीं, आपको आज गाय वगैरह दिखाते हैं। माशाल्लाह, पहले पहले गाय आ गई है, ये देखें। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी प्यारे गाय हैं, क्योंकि जवान जवान होती है। ये देखें, हमें देख कर ज़रा खा रही थी। आम की गुठलियाँ वगैरह भी डाली हुई हैं, आज इनको आम के मज़े भी दे रहे हैं। हमने आम खाए हैं, इनको गुठलियाँ दे रहे हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। दोस्तों, आगे इस हमारी गाय के हुए में गए, इनके गाय के जो थन होते हैं वो सूज गए हैं। आज ये आपको ज़रा कमज़ोर भी लग रही होगी, इसको घास वगैरह भी डलवाते हैं थोड़ा सा। ये हमारी भैंस है, ये भी घास वगैरह खा रही है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे चलते हैं। दोस्तों, अंदर की तरफ देखते हैं, अंदर का कभी हमने आपको ज़्यादा विज़िट नहीं करवाया। सबसे पहले आप देखें फारम के फाजिल के लिए कुत्ता रेस्ट फरमा रहा है, क्योंकि रात को जागता है, दिन को रेस्ट करता है। ये देखें माशाल्लाह से अपनी माँ अपने बच्चों को लेके फिर रही है, क्योंकि माँ वो होती है जो जिस जो भी हो, माँ माँ होती है। मुर्गियाँ सारे अपने बच्चों की हिफाजत करके फिर रही है। अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ। दोस्तों, आपको पता है गर्मी वगैरह तो पड़ रही है, अब इनको नहा के यहाँ पर बांधा गया है। ये देखें माशाल्लाह, फिरोजन का बछड़ा है, ये भी असील मुर्गियाँ हैं। दोस्तों बड़ा फिरोजन आपको जो, ये देखें माशाल्लाह, आप देखें इसकी क्वालिटी, आप ये देखें माशाल्लाह से खूबसूरती, क्योंकि हर उसकी अपनी खूबसूरती है। ये देखें माशाल्लाह से ये गायें हैं। फार्मिंग के लिए आप भी फार्मिंग करें, फार्मिंग में बड़ा फ़ायदा है माशाल्लाह से, जितनी मेहनत उतना आपको फल मिलेगा। उसके बाद ये देखें ये गायें फिरोजन, ये फिरोजन है, वो आपको देसी नस्ल दिखाई थी, ये फिरोजन है, ये भी फिरोजन है माशाल्लाह। इनके आप थन चेक करें कितने, माशाल्लाह दूध भी बड़ा आला देती हैं ये, 8-8 किलो, 10-10 किलो दूध। उसके बाद ये आपको पता है, आज आपको फार्म की बकरी दिखाते हैं जो आई हुई थी। इसको रिक लग गई है, जैसे हम बकरियों को कहते हैं रिक लग गई है, वैसे ये देखें आप देख रहे होंगे। आमतौर पर बच्चों को कहते हैं मोशन वगैरह लग गए हैं। इसको अल्लाह इसको सेहत दे, हम दुआ कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इस ये देसी मुर्गी, ये अपने बच्चे लेके फिर रही है, छोटे छोटे से। अब आपको आज करवाते हैं कबूतरों का विजिट, प्यारे प्यारे कबूतर। ये देखें, ये उड़ जाते हैं, फिर इनको संभालना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको फिर भी दिखा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर मज़े ले रहे हैं। अभी इनको बंद करते हैं, अभी इनका टाइम जब होगा फिर ये निकलेंगे। ये ऐसे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अब वाइट मुर्गा। ये देखें वाइट मुर्गा अलहदा अपने, ये मुर्गियाँ भी अपने, क्योंकि इनको मज़ा आता है, मिट्टी या गोबर वगैरह हो तो इनको मज़ा आता है। कबूतरों की फहरिस्त यहाँ पर भी मौजूद है, कबूतरों को देख लें आप। कबूतर अभी ये वो वाले बाहर नहीं छोड़े, ये वाले छोड़े हुए हैं कि ये इंजॉय करें, फिर वो इंजॉय करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो के लिए, शेख हसन अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हमारे चैनल को न्यू देखने वाले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।